भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं एक नारा बोलूंगा, आप लोगों को मेरे साथ दोहराना है। मैं कहूंगा विविधता में एकता, आप कहेंगे भारत की विशेषता। विविधता में एकता, 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 भारत की विशेषता। भारत माता की जय। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, हरदीप पुरी जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान मनोज तिवारी जी, विजय गोयल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्रीमान रमेश बिधोड़ी जी, प्रवेश वर्मा जी, हंसराज हंस जी, श्रीमान गौतम गंभीर जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश के गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान विजय कुमार मल्होत्रा जी, सभी वरिष्ठ साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए दिल्ली के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। ये रामलीला मैदान अनेक ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी रहा। इसी मैदान पर आज आप इतनी बड़ी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, जीवन से जब अनिश्चितता निकल जाती है, एक बड़ी चिंता हट जाती है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, ये मैं आज आप सभी के चेहरे पर देख रहा हूं, आपके उत्साह में देख रहा हूं, आपकी गर्मजोशी को अनुभव कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में नया सवेरा लाने का एक उत्तम अवसर मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिला है। प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से
आपको आपके अपने घर, अपनी जमीन, अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, उस पर संपूर्ण अधिकार मिला, संपूर्ण अधिकार। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों के इस अधिकार से दूर रखा था, जिन्होंने तरह तरह के रोड़े अटकाए, वो आज देख सकते हैं कि अपने घर पर अधिकार मिलने की खुशी क्या होती है, वो आज रामलीला मैदान में दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आजादी के इतने दशकों बाद तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल कपट और झूठे चुनावी वायदों से गुजरना पड़ा है। गैर कानूनी, इलीगल, अनऑथराइज, जे क्लस्टर, सिलिंग, बुलडोजर और एक कट ऑफ डेट, इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द दिल्ली की एक बड़ी आबादी का जीवन सिमट गया था। चुनाव आते थे तो तारीखें आगे बढ़ाई जाती थी, बुलडोजर का पहिया कुछ समय तक रुक जाता था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती थी। आपको इस चिंता से मुक्त करने की, इस समस्या के स्थायी समाधान करने की ईमानदारी, नियत इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई। हालत तो ये थे कि लोग कॉलोनियों से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां जुटाने के लिए, बाउंड्री तय करने के लिए 2021 लग जाएगा, 2021 का समय बढ़ा दो, ये मांग कर रहे थे। जब गरीब के लिए काम करना होता है, मध्यम वर्ग के लिए काम करना होता है, तो इनके काम की रफ्तार क्या होती है, ये इनकी इन बातों से पता चलता है जब बेशरम होकर के कहते हैं कि 2021 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की इस रफ्तार को देखते हुए ही हमने कहा, ऐसा नहीं चलेगा, न मैं चलने दूंगा।